this is an extra illustration which is being given in your textbook. They say, there are jan select. I am not pulling textbooks method, but there are jan select. 0.1 molarity CH3COOH has a weak acid. They say weak. That means it's not strong. But strong mein nahi bolenge. Weak mein bolenge, ye weak. अगर वीक में बताया नहीं तो कैसे आइडेंटिफाई करने का? आपको दिया होगा इट्स आयनाइजेशन कांस्टेंट के ए, या तो फाइंड करने को बोला होगा या तो दिया होगा, दो में से एक ही चीज हो वीक के अंदर रिपोर्टेड है के ए की वैल्यू या तो उनको देनी पड़ेगी या तो उसको फाइंड करना होगा, दो में से एक ही चीज हो मतलब जब भी आयनाइजेशन कांस्टेंट आता है इट हैज टू बी ए वीक एसिड. ओके आपको बस इतना दे दिया, देन बोला है फाइंड एच थ्री ओ प्लस सी एच सी ओ एच पी एच पी ओ एच पी के डब्ल्यू एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके विल डू दैट. ओके सबसे पहले यू स्टार्ट विद दिस. विल राइट द रिएक्शन. COOH in the presence of this CH3CO minus plus H3O plus, correct? Which we do here. Okay. For this, what are we going to do? I am not going to follow the textbook method. Straight away, Apo K has been given to how much? 1.74 10 raised to minus 5. Concentration C has been given to you. 0.1 molarity. pH pOH फाइंड करना होता है तो आप फाइंड करोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस अंडर रूट के ए सी सत्री मत आता याद रखो सत्री मत मान लो के ए सी के ए हैज बीन गिवन टू यू 1.74 10 रेस टू माइनस 5 सी इज 10 रेस टू माइनस 1 करेक्ट है ना. 0.1 इज 1 इज 10 रेस टू माइनस 1. That's why this becomes 1.74 into 10 raised to minus 6. याद रखो अगर आपके पास अंडर रूट में निकालना है देन आपका 10 का पावर जो होता है वो हमेशा इवन होना चाहिए. अगर नहीं है तो बनाओगे इवन. फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल बता रहा कि सपोज किसी और सम में आपके पास ये वैल्यू आई, ओके 1.23 into 10 raised to minus 5. तो आपको इसको एक बड़ा देने का 10 रेस टू माइनस 6 और इसको देने का 12.3 एक डिजिट शिफ्ट करोगे, डेसिमल पॉइंट का एक डिजिट शिफ्ट करोगे एंड टुवर्ड्स राइट शिफ्ट करो और इसका एक पावर, बिकॉज़ जब ये इवन होता है तभी उसका स्क्वायर रूट निकलता है. 10 रेस टू माइनस 5 का स्क्वायर रूट नहीं पॉसिबल. तो यहां पे तो ओके फॉर्चूनेटली वी हैव ऑलरेडी इवन 10 रेस टू माइनस 6. हर बार ऐसे नहीं मिलेगा. Is that understood? Okay, 1.74 का स्क्वायर रूट बेटा 1.31 into 10 raise to minus 3 इसका पावर हाफ कर देने का. That's the concentration of H3O plus. Is this understood? पता चल रहा है आपको? नहीं चल रहा. Okay, ये एक बार मिल गया. उन्होंने क्या क्या पूछा था? H3O plus पूछा था, वो तो मिल गया. CH3CO एक्चुअली ये गलत है, CH3CO माइनस पूछा है. क्या पूछा है? CH3CO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन H3O प्लस जितना ही रहता 1.31 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 बना रहे, समझ आया? देन हमको pH फाइंड करना है. pH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H3O प्लस negative log of 1.31 into 10 raised to minus 3. इसका log निकालना मैं last time सीखा है आपको. 1.31 का log निकालना आता है आपको? I'll explain to you. आप लोग को आता है using calculus? Find out कीजिए. Find the fundamental.
स्टेप्स के लिए बनाया हो। यहाँ पे पॉइंट क्या है, 1.31 है, 1.31 द सेम वे द बी 0.0.-3 10 का 10^-3 का लो -3 आता है ध्यान यहां पे। ओके तो इसका पीएच आपको मिला अगर सब्ट्रैक्ट करोगे सो 2.8828 पीएच कितना मिला। पीओएच फाइंड करना है, पीओएच इक्वल्स टू 14 माइनस पीएच, पीएच आपके पास है 14 माइनस 2.8828 व्हिच इज इक्वल टू 11.1172 ये मिला पीओएच। आर यू फॉलोइंग दिस, ये समझ में आ रहा है तो आपके पास वही आंसर आएगा 40। ये मिला पीकेडब्ल्यू। इज दिस अंडरस्टूड?